स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है शहजेब रिजवी के खिलाफ। शहजेब रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि नवीन जिन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, बेंगलुरु की घटना आपको याद होगी, और उसके बाद ये वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि 51 लाख का इनाम मैं उसे दूंगा अगर कोई भी नवीन का सर कलम करके लेके आता है। तो इस तरीके के बयानबाजी, जो भड़काऊ वीडियो इसने बनाई थी, उसके बाद जनता मांग कर रही थी। यहाँ तक कि कई साधु संत भी मांग कर रहे थे कि जो उन्होंने कमेंट किया था नवीन ने वो गलत था, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी जो शहजेब रिजवी कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि शहजेब रिजवी अगर बात करें तो ये पूर्व में सपा अल्पसंख्यक मोर्चे के सचिव रह चुके हैं, तो अखिलेश यादव के लिए भी ये बड़ा झटका है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के पार्टी में किस तरीके के नेता हैं और किस तरीके से बयानबाजी करते हैं। तो मेरठ के सरधना थाने में भी लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है, और अब मेरठ के थाना फलादवा इलाके से शहजेब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शहजेब रिजवी ने 13 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने कर्नाटक के दलित कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पी नवीन का सिर काटने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। वीडियो जारी कर शहजेब ने कहा था कि फेसबुक पोस्ट के जरिए से नवीन ने हुजूर के शान में जो गुस्ताखी की है, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। इस युवक का जो सर कलम करके लाएगा, मैं उसे 51 लाख का नगद इनाम दूंगा। इसके बाद रिजवी ने इनाम की राशि के लिए क्राउड फंडिंग की अपील की थी, यानी कि इसमें लोगों से फंडिंग करने की बात कही थी, और जिसके जरिए वो उस शख्स को दे सके जो सर कलम करके नवीन का लेकर आए। तो इसे ये दिखता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किस हद तक लोग चले जाते हैं और किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। जो कमेंट नवीन ने किया वो गलत था, लेकिन उसके बाद इस तरीके से देश को जलाना, ये कहीं का भी न्याय नहीं है। और किस तरीके से एक साजिश के तहत देश को जलाया गया। कुछ ऐसा समुदाय है जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना ताकतवर है, और उसके लिए वो देश को जलाने के लिए भी तैयार है। ये बहुत ही गलत है, लेकिन जिस तरीके से इस पर ये बयानबाजी हो रही थी और जिस तरीके से ये भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहा था, उसके बाद जनता ये मांग कर रही थी कि शहजेब रिजवी को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कर्नाटक में बेंगलुरु में हुई हिंसा के मामले में यूपी के मेरठ में जो विवादित बयान, यानी कि जो भड़काऊ वीडियो शहजेब रिजवी ने पोस्ट किया था, उसके खिलाफ योगी सरकार से बड़ी कार्रवाई करने की पहले ही मांग की थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, आतंक फैलाने वाले और दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इससे पहले सीए के नाम पर जिस तरीके से आगजनी की गई थी, जिस तरीके से देश को जलाने की एक साजिश रची गई थी, उसमें भी अगर बात करें तो योगी सरकार ऐसी सरकार थी जिसने ऐसे दंगाइयों पर लगाम लगाया था। यहाँ तक कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया था, उसकी भी भरपाई उनसे ही की गई थी, और इसको लेकर दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ की सराहना हुई थी, और अभी जो बेंगलुरु में घटना हुई उस पर भी यही मॉडल लागू हुआ है। लेकिन जो इसके बाद शहजेब रिजवी ने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको लेकर जनता ये मांग कर रही थी कि योगी सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए, क्योंकि ऐसे लोग ना सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि जो आपस का भाईचारा है उसको भी खराब करते हैं। और इसीलिए महंत गिरी ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ योगी सरकार सख्ती से निपटेगी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने मांग की थी कि मेरठ पुलिस भड़काऊ बयान देने वाले शहजेब रिजवी को तत्काल गिरफ्तार करे, साथ ही कठोर कार्रवाई भी करे, ताकि प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने वालों को सबक मिल सके। तो बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने जो सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी की थी, उसको लेकर भी अखाड़ा परिषद ने यह कहा था कि ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन विधायक के भतीजे का सर कलम करने वाले को 51 लाख के इनाम की घोषणा कर प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले शहजेब रिजवी को भी सबक मिलना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है और यूपी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। यूपी पुलिस ने शहजेब पर आईपीसी की धाराओं 153 ए
505 दो के तहत केस दर्ज किया है। मेरठ एसएसपी अजय साहनी ने शहजेब के वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के लिए आदेश भी दे दिए हैं। पुलिस ने जब शहजेब रिजवी के घर दबिश की तो वो फरार मिला। शहजेब रिजवी उत्तर प्रदेश के मेरठ में फलावदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का रहने वाला है। वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ चुका है, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था। खुद को वो सामाजिक कार्यकर्ता कहता है और पहले वो सपा से जुड़ा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जो ये लोग कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव इस पर टिप्पणी करते हैं, यही बात हो गई कि वो लोग भी बोल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं थे और नहीं जानते थे, लेकिन वो लोग भी बोल रहे हैं जो गुंडा राज और जंगल राज के लिए ही जाने जाते थे, इनके जिनके राज में ही गुंडा राज था। अखिलेश यादव जो इस पर टिप्पणी कर रहे थे और उनके नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरीके के उनके नेताओं के कारनामे हैं, ये सारी चीज़ें देखकर तो अखिलेश यादव को यही सोचना चाहिए कि वो कुछ दिन के लिए अगर चुप रहें, क्योंकि योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जनता उनका समर्थन कर रही है और उस पर अगर जंगल राज और गुंडा राज को खत्म कर रही है तो योगी सरकार है, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों में प्रशासन व्यवस्था सख्त कर रखी थी, उसको देखकर अखिलेश यादव को कुछ सीखने की ज़रूरत है और उनको इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से चाहे वो विकास दुबे हों या तमाम ऐसे जो गुंडे थे, जो यूं कहें तो आतंकवादी थे, क्योंकि आतंक फैलाकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में रखा हुआ था, जंगल राज बनाकर रखा था, उन पर कार्रवाई होती है, तो अखिलेश यादव का बयान आता है कि वो बेगुनाह थे। यानी कि अखिलेश यादव के नज़रिए में जितने भी गुंडे हैं, जितने भी मवाली हैं, जितने भी आतंकवादी हैं, वो उनके नज़र में बेगुनाह हैं, और इस पर भी वो ये कहेंगे कि बेगुनाह पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस तरीके के लोग जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की भड़काऊ बयान देते हैं और इस तरीके से आतंक फैलाने की साजिश रचते हैं, देश को जलाने की जो मंसूबे हैं इनके, उस पर पानी फिरना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको सबक मिल सके। पूरा मामला ये है कि आपको पहले भी हमने बताया था कि जो बेंगलुरु में घटना हुई, उससे पहले फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया था हिंदू देवी देवताओं को लेकर। उसके बाद नवीन ने एक उस पर कमेंट किया और वो आपत्तिजनक था, किस तरीके से उन्होंने किसी समुदाय को आहत किया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि एक कमेंट को लेकर किस तरीके से एक बड़ी साजिश रच ली गई, और उसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका आया वो कांग्रेस का ही था। यानी कि जो कांग्रेस के विधायक जिन पर हमला हुआ, जिनका घर जलाया गया, जिन पे तोड़फोड़ की गई, वो भी कांग्रेस के ही विधायक है, लेकिन जिन्होंने ये साजिश रची वो भी कांग्रेस के ही नेता है। और ये पूरा मामला इस तरीके से है कि वो कमेंट को लेकर उन्होंने विधायक का घर जला दिया, उनके तो घर में तोड़फोड़ की, उनकी जो कारें थी उस पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि थाने में भी तोड़फोड़ की गई, किस तरीके से थाने को जला दिया गया और उसमें 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। ये चीज़ें दिखाती हैं कि इनकी मानसिकता कितनी गिर गई है, इतने कट्टरवादी हो चुके हैं कि इनको देश का भला और बुरा नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो अपनी ताकत को खाना है, क्योंकि कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसको लेकर इनकी जो चिढ़ है वो सामने आ रही है। अभी तक इनको जो फैसिलिटीज दी जा रही थी, जिस तरीके की मेहमान नवाजी की जा रही थी, अल्पसंख्यक के नाम पर इनको मेहमान बनाकर रखा गया था, और वो 70 सालों के बाद जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, अब सबको इक्वलिटी से देखा जा रहा है, सबको समान रूप से देखा जा रहा है, और ये इनको हजम नहीं हो रहा है, और इसीलिए अपनी ताकत दिखाने के लिए जगह जगह पर इस तरीके के उन्माद करते हैं, आग लगाते हैं। आपने देखा दिल्ली में किस तरीके से इन्होंने जलाया, उसके बाद बेंगलुरु से पहले भी कोई ये नया नहीं था और ना ही आखिरी था, इससे पहले भी इन्होंने कई जगह पर इस तरीके की आगजनी की। कश्मीर में किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई पहले से भी और आज भी, ये किस तरीके से निर्दयी होकर इस तरीके के कारनामे करते हैं, और इनको भड़काने के लिए, इनको बैक सपोर्ट देने के लिए जो नेता हैं जो इनको भड़काते हैं, ऐसे लोगों को एक साजिश के तहत इनको खड़े करते हैं, वो हैं शहजेब रिजवी जैसे लोग जिन पर योगी सरकार ने कार्रवाई की है, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको भेजते हैं। अगर इन्होंने 51 लाख रुपए का इनाम रखा है और ये कहा है कि जो सर कलम करके आएगा मैं उसको 51 लाख का इनाम दूंगा, और इसके लिए इन्होंने क्राउड फंडिंग, यानी कि जो जनता है उन्हीं से, यानी कि आपस में जो भाईचारा है उसको
को खराब करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अब तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसके लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़ा फेमस होने के लिए। क्योंकि अगर ऐसे बयानबाजी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से ओवैसी और उनके भाई इसी बयान के लिए मशहूर है, और इन लोगों को भी लगता है अगर हम उसी राह पे चलेंगे तो एक दिन हम बड़े नेता बन जाएंगे। सिर्फ और यही कारण है, इसीलिए इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब 2014 के बाद अगर बात करें तो केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार प्रशासन व्यवस्था को सख्त किए हुए है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे लोगों के जो मंसूबे हैं उसको बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और इनके मंसूबों पर पानी फिरेगी। तो अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए भी ये बड़ा झटका है जिस तरीके से वो ऐसे कारनामों को बढ़ावा देते हैं, अपनी कुछ जनाधार के लिए, चंद वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के आपस में भाईचारा जो है उसको खराब करने के लिए ऐसा माहौल तैयार करते हैं, ऐसी साजिश रचते हैं। तो योगी सरकार ने जो गिरफ्तारी की है, योगी सरकार की जो पुलिस ने कार्रवाई की है, इससे ये साफ हो गया है कि जनता की जो मांग थी और ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब जंगल राज और गुंडा राज नहीं है, कोई भी अपराधी है वो बचेगा नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। पिछले कई दिनों में चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हों या अखिलेश यादव हों, तमाम तरीके की टिप्पणी, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे, यहाँ तक कि इनके राज्य में कितनी भारी क्षति हो जाती है, किस तरीके से आत्महत्याएं हो रही हैं वो उनको नहीं दिखाई दे रही है। चाहे राजस्थान की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश पे ही बैठी हुई थी, किस तरीके से यहाँ पर घटिया और ओछी राजनीति कर रही हैं। जबकि अगर हम देखें तो पिछले कई सालों से अगर कोई अच्छी सरकार आई है तो वो है योगी सरकार, और जिस तरीके से वो अपराधियों पर नकेल कस रही है, अब आने वाले दिनों में चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी जो राजनीति है वो खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में इस तरीके की प्रशासन व्यवस्था से लेकर जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है वो योगी सरकार ने की है, और योगी सरकार को ही जनता चुनेगी। लेकिन जो ये जो आपसी भाईचारे की बात है उसको बिगाड़ने के लिए जो इस तरीके के कमेंट और इस तरीके की बातें की जाती हैं, ये सरासर गलत है। चाहे वो नवीन हो जिन्होंने कमेंट किया इस तरीके का, और चाहे ये शहजेब रिजवी हो जिन्होंने इस तरीके की बात कही कि सर कलम करने की, जो आपस में लड़ाने की जो साजिश रची है, और जिस तरीके से इन्होंने बेंगलुरु में आग लगाई और इससे पहले पूरे देश में एक साजिश के तहत ऐसे घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। और कहीं ना कहीं इसमें दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार कामयाब है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, उनमें भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि दिल्ली में जिस तरीके से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का भी नाम आया और उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी को भी जो संजय सिंह है जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उनको अपनी दिल्ली देखनी चाहिए, और उस पर जो उनके नेता हैं जिनको बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, अगर पहले उन पर कार्रवाई कर देते तो इस तरीके की हालात दिल्ली में नहीं खड़े होते। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे अपराधियों पर नकेल कस रही है, और मेरठ पुलिस ने जो काम किया है वो जनता की मांग पे किया है, और ऐसे खूंखार अपराधी, आतंकवादी और ऐसे भड़काऊ पोस्ट करने वाले नेताओं और जो ऐसे उपद्रवी हैं उन पर नकेल कसनी ही चाहिए। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।